Hello guys, welcome to Shraddha Tutorial. So today's our topic is very interesting topic, insurance. So this is very much important topic. You are in 11th 12th, and after 11th 12th also for graduation level you taking BBA in this whole study of insurance. So first see what is basically insurance means. In this video I am saying what is insurance, what are the basic terms of insurance, and what are the 7 principles of insurance. What is insurance? Insurance means a security from the any event that will affect us. Means for example, loss from fire, some natural calamity. To protect from that natural loss and to protect from money loss, we have to do insurance. So, आपने तो एक क्या है? One type of security है. मतलब unusual event कुछ हो गया, जैसे natural calamity, कुछ thief ने चुरा लिया. तो business को कैसे maintain किया जाता है? Because the goods are very large. As we know कि गुड्स का बहुत सारा स्टोरेज होता है, तो इस सब को इंश्योरेंस से थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेट्स इवन एग्री टू पे टू द इंश्योर सर्टन सम ऑफ मनी और एग्री टू इंडेनिफाई इंश्योर और अश्योर फ्रॉम सर्टन स्पेशलाइज इवेंट. सही सुना आपने. तो इसमें क्या है, टू पार्टीज होती है, वन इज इंश्योर एंड वन इज इंश्योरर. व्हाट इज इंश्योर? द पर्सन हु बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड इंश्योर एंड पर्सन हु गिव्स द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कॉल्ड इंश्योर. सही सुना आपने. तो इंश्योर कौन होता है? जो परचेस करता है पॉलिसी और जो बेचता है वो इंश्योरर कहलाता है. इंश्योरेंस क्या होता है? एक सिक्योरिटी टाइप है. अगर कुछ हमको फाइनेंशियल लॉस हो गया तो इंश्योरर हमको अश्योरिटी देता है कि आई विल पे यू, मतलब वो लॉस रिकवर करने में वो हमें हेल्प करेगा. फर्स्ट टर्म वॉज इंश्योर्ड, इंश्योरर, पॉलिसी, प्रीमियम, सब्जेक्ट मैटर, क्लेम, प्रपोजल. Understand the basic term deeply. So first was insured. Insured means a person whom get compensation. सही सुना आपने. तो insured क्या है? जिस person को compensation मिलेगा क्योंकि उसने policy के premium भरे हैं. इंश्योरेंस मीन्स कंपनी को एग्री टू पे कंपनसेशन. से सुना आपने. इंश्योरर क्या होता है? जो कंपनी है वो एग्री करता है कि हम इंश्योरेंस पे करेंगे इफ अ सर्टन लॉस इज हैपेंस. से सुना आपने. अगर कुछ लॉस हो गया तो हम उसमें हेल्प करेंगे. थर्ड टर्म वॉज प्रीमियम, द फिक्स अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दैट इंश्योर्ड पे टू द इंश्योरेंस. सही सुना आपने. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट है जो इंश्योरर, मतलब जो इंश्योर है वो इंश्योर्ड है वो कंपनी को पे करेगा. फोर्थ बेसिक टर्म इज पॉलिसी. इन दिस पॉलिसी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड इट विल ऑल्सो कंटेन वॉट आर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंश्योरेंस. ये सुना आपने. तो एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टी, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. तो उसके अंदर क्या रहता है, टर्म्स एंड कंडीशंस. बेसिक टर्म वॉज सब्जेक्ट मैटर. इन दिस मैटर मीन्स वॉट काइंड ऑफ कंपनसेशन वी गिविंग, मतलब हमको कंपनसेशन देना है बिकॉज ऑफ वॉट, मतलब क्या इवेंट हुआ है. दैट माइट बी अ 3 रीजंस. वन वॉज लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड वॉज फायर इंश्योरेंस, थर्ड वॉज मरन इंश्योरेंस. सही सुना आपने. ये इंश्योरेंस में भी 3 टाइप ऑफ इंश्योरेंस है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है, मरन इंश्योरेंस हो सकता है, या फायर, मतलब लॉस ड्यू टू फायर. नेक्स्ट बेसिक टर्म वॉज क्लेम. क्लेम्स आफ्टर हैपनिंग सम इवेंट इंश्योर कैन आस्क फॉर क्लेम और कंपनसेशन. सही सुना आपने. अगर कुछ इवेंट हो गया तो इंश्योर, मतलब जो इंश्योर है वो लायबल है टू आस्क फॉर क्लेम. बेसिक टर्म वॉज प्रपोजल. आफ्टर हैपनिंग सम इवेंट द इंश्योर हैज टू डू रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू पे सम इंश्योरेंस क्लेम. सही सुना आपने. अगर कुछ इवेंट हो गया है तो इंश्योरों को मतलब प्रपोजल देना पड़ता है कि कंपनी को, आई हैड सम लॉस, प्लीज गिव मी अ इंश्योरेंस पॉलिसी. I know seeing this video you know what is insurance and what are the basic terms of insurance. Then let's take forward, and there was basically 7 principle of insurance. Let's take one by one. Principle of utmost good faith, principle of insurable interest, principle of indemnity, principle of contribution, principle of subrogation, principle of mitigation of law, principle of causa proxima. This is the principle of insurance in deeply. So first principle was principle of utmost good faith. This type of principle, the both the parties have to give their confidence and give the all disclosed matter. Means you have to disclose all the matter, no secret keep to the insurance. Say suna apne. ये type of insurance में क्या होता है? Almost good faith दिखाना पड़ता है एक दूसरे की तरफ. मतलब जो भी matters है all have to disclose to the insurer. Principle of insurable interest. In this type of interest, the life insurance only get insurable interest and other insurance got loss, means they have the actual loss, that only they got the payment. Say suna apne. Ye kya hai insurable interest, matlab jo life insurance humne kiya hai us pe agar humne 1 lakh ka claim kiya hai to 1 lakh hi milega, kyunki hum
मतलब उसकी लाइफ कंपेयर नहीं कर सकते एज टू मनी, बट इन अदर फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस लाइक फायर एंड मरीन इंश्योरेंस द एक्चुअल लॉस ओनली कंपनसेटेड, सही सुना आपने। मगर लाइफ और मतलब फायर और मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जो एक्चुअल लॉस है वही कंपनसेट होता है। द थर्ड टाइप ऑफ प्रिंसिपल वॉज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इन दिस टाइप ऑफ प्रिंसिपल द इंश्योरेंस इज एग्री टू पे टू द कंपर्सन दैट इज एक्चुअल, सही सुना आपने। ये क्या होता है इंडेमनिटी, मतलब ही उसका मतलब क्या है, नुकसान भरपाई। एंड इंश्योरेंस इज एग्री टू पे टू द इंश्योर दैट इज लॉस इज अकर्ड, मतलब जो भी लॉस अकर हुआ है उसमें इंश्योरेंस फुल हेल्प देगा क्योंकि उसने पॉलिसी पूरी टाइम पे भरी है। टाइप ऑफ प्रिंसिपल वॉज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ द इंश्योरर इंश्योर्ड मे बी टेकिंग पॉलिसी फॉर फोर और फाइव और थ्री, माइट बी थ्री कंपनी, सही सुना आपने। इसमें क्या होता है, जो इंश्योर्ड है उसने तीन जगह से भी पॉलिसी ली हुई होगी एक गुड्स के लिए, तो उसमें क्या होगा लास्ट में जो रेशियो है वो डिसाइड करेगा कि वॉट इज एक्चुअल लॉस, सही सुना आपने। इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस द रेशियो इज बी डिवाइडेड एंड दैट ओनली गेट ही कंपनसेशन, नॉट फुल्ली बट दैट टर्म इज कंसर्न, सही सुना आपने। इसमें क्या होता है कि उसने अगर तीन से ज्यादा जगह से इंश्योरेंस किया है लेकिन उसका एक्चुअल लॉस देख के ही सब कंपनी उसको रेशियो में डिवाइड करेगी टू कंपनसेट दैट लॉस। फिफ्थ प्रिंसिपल लॉस प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। आफ्टर वी हैव द लॉस ड्यू टू फायर और एनीथिंग ऑल द स्क्रैप यू हैव टू सरेंडर टू कंपनी, दिस इज वन टाइप ऑफ पॉलिसी, सही सुना आपने। इसमें क्या होता है, अगर कुछ भी लॉस हुआ है, मतलब जो भी फायर से हुआ है कुछ भी हुआ है, मतलब कार्गो को भी कुछ लॉस हुआ है, तो जो भी स्क्रैप रह जाता है मतलब जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा रह जाता है वो सब उनको कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है। हम ये नहीं बोल सकते ये हमारा है, बिकॉज वी गेटिंग द कंपनसेशन, हमको कंपनसेशन मिल गया है तो वी हैव टू सरेंडर दैट और स्क्रैप, मतलब वो स्क्रैप जो सब कुछ कंपनी को देना पड़ता है। प्रिंसिपल वॉज प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। एज वी नो वी हैव इंश्योरेंस पॉलिसी, आफ्टर दैट वी हैव सम लॉस, देन वी गॉटिंग अवर प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, देन ऑल्सो वॉट वी हैव टू ट्राई एनीथिंग दैट लॉस इज अकरिंग वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। इफ द फायर वॉज देयर वी हैव टू ट्राई फर्स्ट कॉल टू अ फायर ब्रिगेड और ट्राई टू कीप वाटर ऑन दैट, सही सुना आपने। इसमें क्या है, हमको पता है हमने इंश्योरेंस किया है तो हमको क्लेम मिलने वाला है, तो ज़्यादा लॉस नहीं करना है। कुछ भी हो अगर हमको मतलब फायर से लॉस हो रहा है तो डायरेक्टली हमें सरेंडर करना नहीं चाहिए, हमें ट्राई करना चाहिए कि वो लॉस कैसे मैक्सिमम हो, मतलब कैसे लॉस कम कर सकते हैं। सेकंड प्रिंसिपल वॉज द प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा। इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस द लास्ट द विच लॉस इज नियर इज दैट ओनली टेकन इन कंसिडरेशन, से सुना आपने। इसमें क्या होता है, जो नियर कॉज है वही लेते हैं। अगर एग्जाम्पल द मैंगो हैज इंश्योर्ड बाय अ कार्गो, मतलब इंश्योर किए थे तीन महीने के लिए, बट इट गेट डिलीवरी दैट इज फोर्थ मंथ इज, मतलब आते वक्त कुछ ऐसा हुआ है कि चार महीने लग गए उसको पहुंचने के लिए, तो क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि दैट कंसिडर एज थ्री मंथ ओनली, मतलब उसने इंश्योरेंस में तीन मंथ का ही कंसिडरेशन लिया था लेकिन उसे आते आते चार मंथ हो गए हैं, सो दिस इज नॉट गिवन बाय द कंपनी, मतलब वो कंपनी कंसिडर नहीं करेगी, जो एक्चुअल कॉस्ट होगा तभी कंपनी कंसिडर करेगी। आई टीचिंग ओरली बिकॉज आई नॉट हैव व्हाइट और ब्लैक बोर्ड, बट आई विल डेफिनेटली श्योर आफ्टर दिस ओपनिंग ऑफ लॉकडाउन आई विल डेफिनेटली परचेज द व्हाइट बोर्ड फॉर यू दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर। After watching this video, you have very much information what is insurance is exactly, what are the basic terms of insurance, what are the seven principles of insurance. So like the video, press the bell icon, subscribe to my channel for most commerce updates, and thank you for watching video.